Welcome back to another video. This is me, Aditya Patel from Achakni Vlogs. I hope all of you are doing absolutely fine. और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, this is gonna be related to a product review, you can say, या फिर आज हम एक specific product के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं. और let me tell you guys, आज का जो product होने वाला है, that is gonna be motorcycle riding jacket. So basically हम riding jacket और riding gears के बारे में बात करेंगे, कुछ discussion करेंगे. और मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी राइडिंग जैकेट जो है वो ढूंढ रहा था, बट मुझे स्पेसिफिकली नहीं मिल रही थी. सो फाइनली आई फाउंड वन और यहाँ पे जो है वो मुझे आ चुकी है, रिसीव हो चुकी है. सो आगे जाके मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन सी राइडिंग जैकेट जो है वो ऑर्डर करी और क्या मुझे रिसीव हुआ है. एंड जो मेरी वीडियोज पहले से देख रहे हैं उन्हें शायद पता होगा दैट आई ओन अ सुपर बाइक सुजुकी हायाबुसा. सो मैं उसके लिए एक अच्छी राइडिंग जैकेट ढूंढ रहा था. इससे पहले आई हैव यूज्ड अल्पाइन स्टार्स और आई हैव यूज्ड इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड वो अब थोड़ी सी वॉर्न आउट हो गई है बिकॉज हम उसका इतना ध्यान नहीं रखते. सो वो अब यू नो इट वाज द राइट टाइम टू लुक आउट फॉर अ अल्टरनेटिव और मैं कोई अच्छी जैकेट ढूंढ रहा था. फाइनली आई केम अक्रॉस दीज गाइज नेम जीटी हाउस और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है फ्रॉम द नेम ऑफ जीटी हाउस इटसेल्फ एंड दे ऑल्सो हैव अ वेबसाइट नेम gthouse.com. सो आई केम अक्रॉस दीज गाइज एंड मैंने इनकी वेबसाइट चेक करी, मुझे उस पर प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगे. वॉट बेसिकली दीज गाइज डू आर दैट दे आर द इम्पोर्टर ऑफ सम ब्रांड्स ऑफ राइडिंग गियर्स एंड एसेसरीज. ये लोग खुद इम्पोर्ट करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं. ये लोग बल्क में भी डील करते हैं और ये सिंगल पीसेज में भी डील करते हैं. सो आई हैड अ टॉक विद देम और I found one jacket जो मुझे बहुत पसंद आई. And let me tell you guys, first of all, this video is not at all sponsored. I have purchased this jacket myself. आगे जाके मैं आपको इसका invoice भी दिखा दूंगा कि ये भाई मैंने खुद खरीदी है, तो मुझे किसी ने भी ये sponsor नहीं करी. So अभी तक मुझे खुद को नहीं पता अंदर से jacket कैसी है. So it is kind of you know review for me also. So आगे जाके अब देखेंगे इसे unbox करके कि कैसा है और कैसा नहीं. मैं आपको दिखा देता हूँ पहले. सो हेयर इज़ द बॉक्स. एज यू कैन सी जी टी हाउस यहाँ पे जो है मैंशन किया गया है और हेयर इज़ द बॉक्स. ये बॉक्स है फाइनली जो मुझे रिसीव हुआ है इनकी तरफ से. एंड लेट मी टेल यू गाइज कि मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले ऑर्डर किया था और मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी ये मुझे जैकेट जो है वो रिसीव हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो डिलीवरी स्पीड है दैट इज़ रियली वेरी गुड. सो थम्स अप फॉर दैट. और सेकेंड थिंग इज़ कि इनकी जो पैकेजिंग है, आई एम सरप्राइज्ड कि इन्होंने जो जैकेट पैक करके भेजी है दैट इज़ रियली वेरी गुड. और आई होप कि अंदर से जो जैकेट है वो भी इतनी अच्छी तरह ही पैक्ड होगी और एकदम सेफ एंड साउंड आई होगी. सो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, कोई भी जो यू नो मेरे भाई ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं, बेसिकली टू व्हीलर चलाते हैं, उनके लिए एक सजेशन है, प्लीज़ एटलीस्ट वेयर अ हेलमेट. अगर आप राइडिंग गियर नहीं भी डालना चाहते हैं, नहीं खरीद सकते, एटलीस्ट वेयर अ गुड राइडिंग हेलमेट. बिकॉज मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिना राइडिंग गियर के या हेलमेट के जो है ड्राइव कर रहे होते हैं. पता नहीं यार, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, बट आई वुड से कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता आपका कभी क्रैश हो जाता है तो एटलीस्ट अगर आपने हेलमेट डाला होगा तो आपका फेस और आपका जो सिर है वो बच जाएगा. सिर जो है ये बहुत डेलिकेट एरिया होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड इसमें कोई बहादुरी नहीं है यार, अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हो कोई उसमें वो नहीं है. सो फिलहाल के लिए उसे साइड रखते हैं और दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे जो है ये जैकेट. और अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या निकलता है और ख़ुद भी देखते हैं कि ये कैसी है. सो चलो. सो फाइनली हेयर इज़ द जैकेट एंड एज यू कैन सी ये शीमा ब्रांड की है और काफ़ी अच्छे से पैक्ड थी, बहुत अच्छे से जो देख सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी पैकिंग में थी ये और काफ़ी सिक्योर्ड आई है. तो इस जैकेट को फ़िलहाल जो है बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसी है. फाइनली द जैकेट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स एज यू कैन सी और काफ़ी अच्छी जैकेट है. बेसिकली लेदर की जैकेट है
और वाइट और ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में एज यू कैन सी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रांडिंग है शीमा की, और काफ़ी अच्छी है। आउटसाइड स्लाइडर्स मिलते हैं, इनसाइडर भी है, और आपको शोल्डर के साथ साथ एल्बो के भी ये स्लाइडर्स मिलते हैं इसके अंदर, और फुली लेदर है, बीच बीच में जो है मेश है, और यहाँ थोड़े से ये टैग्स और ब्रांडिंग्स आ गई हैं जिसके अंदर आर्मर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज़ द जैकेट फ्रॉम फ्रंट साइड, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। सो हेयर इज़ द जैकेट फ्रॉम बैक साइड एंड एज यू कैन सी न्यू राइड एक्सपीरियंस, और आप देखोगे तो यहाँ शीमा की ब्रांडिंग है, और ये थोड़े से जो है ये रिफ्लेक्टिव यू नो इंसर्ट्स हैं फॉर द जैकेट, और जैकेट बहुत ही अच्छी है। अभी मैं आपको एक बार दिन में डाल के ये दिखाऊंगा कि ये जैकेट कैसी है। सो फिलहाल आप देख लो, जैकेट बहुत ही जो है बहुत प्यारी है। सो फाइनली हेयर आई एम एंड हेयर आई एम वेयरिंग दिस शीमा ब्रांड मोटरसाइकिल राइडिंग जैकेट, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ फुली लेदर बेस्ड जैकेट, एंड लेदर की जैकेट है ये, और ये मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फिटिंग जो जैकेट की है बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो ब्रांड है शीमा, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड की कंपनी है ये, और दिस कंपनी हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग यू नो राइडर्स फ्रॉम लास्ट 10 years, एंड दिस इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपनी। सो बेसिकली ये लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है जैकेट्स बना रहे हैं और लेके आ रहे हैं। सो एज़ यू कैन सी ये जो है ये फुली लेदर की जैकेट है, यहाँ थोड़ी सी शीमा की ब्रांडिंग आती है, चेस्ट पे शीमा की ब्रांडिंग आती है, और बैक पे शीमा की ब्रांडिंग है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जैकेट एक बार डाल के भी दिखा देता हूँ कैसी लगती है। इसकी स्लीव्स हैं, और मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसकी प्री कर्व स्लीव है, सो दैट आप जब बाइक राइड करो सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू यू नो राइड एंड गो ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो दैट इज़ गुड। और अगर आप इसकी बात करोगे तो काफ़ी अच्छी जैकेट है, एज़ यू कैन सी यहाँ पे जो है यूजुअली जो जैकेट्स हैं लेदर की जो जैकेट्स होती हैं, इसे मैं खोल देता हूँ। सो यूजुअली यहाँ पे जो है इनसाइड प्रोटेक्टर मिलते हैं, बट लेट मी टेल यू गाइस, इसके अंदर लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स हैं, और ये जो है ये एक्सटर्नल शोल्डर है, स्लाइडर है। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि व्हेन यू हैव अ फॉल तो ये चीज़ आपकी प्रोटेक्टेड रहती है, अंदर भी इसके जो है वो प्रोटेक्टर है, और यहाँ पे एल्बो प्रोटेक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एल्बो प्रोटेक्टर है। सो दिस इज़ लेवल 2 प्रोटेक्टेड। और इस जैकेट की एक जो सबसे ख़ास बात है जो मुझे अच्छी लगी, दैट इज़ इसमें आप देख रहे हो ये बैक पे, सो ये जो बैक है इसके ऊपर जो है आपका आर्मर प्लस का जो है वो बैक प्रोटेक्टर इसके अंदर मिलता है। तो बेसिकली इस जैकेट का जो प्राइसिंग है दैट इज़ 30,000। मुझे ये जैकेट जो है 30,000 एंड 400 रुपीज़ की पड़ी, 500 रुपये जो थे वो कोरियर चार्जेस थे। और इस जैकेट में बेसिकली यहाँ पे मेश है, थोड़ा इलास्टिक मटेरियल है, सो दैट आप कंफर्टेबल हो राइड करते टाइम, और इसके अंदर यहाँ पे भी मेश है। सो बेसिकली इट इज़ लाइक अगर आपको इजी राइड करना है या थोड़ा समर्स का डे है, तो ये जो चीज़ है मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, दिस विल प्रोटेक्ट यू। सो यहाँ पे आपके एल्बो जो प्रोटेक्टर है दैट आर रियली गुड, और जैकेट की जो फिटिंग है एज़ यू कैन सी वो काफ़ी अच्छी है, और जो इसका ग्रिप है मैकेनिज्म आई मस्ट से वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बार पूरा बंद करके दिखाता हूँ। सो हियर इट इज़, एज यू कैन सी द जैकेट लुक्स रियली नाइस, और आप ये शोल्डर देख पा रहे हो ये बहुत अच्छे हैं। सो बेसिकली ये शोल्डर्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांडिंग है, और जैकेट कुछ ऐसी लगती है। तो पीछे से भी जैकेट जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको थोड़े रेड इंसर्ट्स दिख रहे होंगे। सो मेरी जो बाइक है वो है सुजुकी हायाबुसा, एंड दैट इज़ ऑफ रेड एंड वाइट कलर, सो मुझे उससे कुछ मैचिंग जो है वो जैकेट चाहिए थी। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, और राइड करते टाइम काफ़ी मज़ा आने वाला है इस जैकेट को डाल के।
तो बेसिकली लेदर की जैकेट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जैकेट है। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए जाना है तो हमेशा यू शुड गो फॉर दिस लेदर जैकेट। और मैंने ये जैकेट क्यों प्रेफर करी मैं ये भी बता देता हूँ। सो द रीज़न वाई आई प्रेफर्ड दिस जैकेट ओवर अदर ब्रांड्स लाइक यू नो एल्पाइन स्टार एंड डाइनीजी एंड ऑल, उसके पीछे एक बहुत स्पेशल रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि वो जैकेट्स जो हैं वो अनडाउटेडली बहुत अच्छी है। मैं पहले एल्पाइन स्टार जो है वो यूज़ कर रहा था, बट द ओनली इशू इज़ कि अगर आपको 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने हैं और आप उसके अंदर एक लेदर जैकेट ढूंढ रहे हो जिसके अंदर इस लेवल की प्रोटेक्शन हो, मतलब मोस्टली आपने जैकेट्स देखी होंगी लेदर की अगर होंगी एल्पाइन स्टार वगैरह की, एक तो उनका प्राइसिंग बहुत हाई है, अराउंड 40-50-60 थाउजेंड की आती हैं। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर प्रोटेक्शन लेवल की बात करोगे तो आपको जो है मोस्टली जैकेट्स में शोल्डर का जो है प्रोटेक्टर, इनसाइड प्रोटेक्टर वो मिल जाता है और एल्बो प्रोटेक्टर मिल जाता है, बट बहुत कम जैकेट्स है जिसमें ऐसा जो है एक्सटर्नल शोल्डर स्लाइडर आपको मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक का ये। और ऐसी कोई भी जैकेट नहीं है जिसके अंदर आपको जो है वो बैक प्रोटेक्टर पहले से मिलेगा। सो इन दिस जैकेट एक आपका जो बेनिफिट या प्लस पॉइंट आप कह सकते हो दैट इज़ कि आपको इसके अंदर पहले से ही जो है बैक प्रोटेक्टर जो है वो बीच में मिलेगा। और जैकेट के अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो हेयर इज़ अ वाटर प्रूफ पॉकेट, और ये वाटर प्रूफ पॉकेट है बेसिकली। ये जो नीचे आप देख रहे हो दिस इज़ टू अटैच योर राइडिंग पैंट्स विद इट। और इसके अंदर एक यहाँ पे भी प्रोटेक्टर है, यहाँ पे सॉरी पॉकेट है छोटी सी, ये पॉकेट है। सो ओवरऑल जैकेट इज़ वेरी नाइस, फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था GT हाउस पे, क्योंकि मुझे ये जैकेट जो है ये बहुत पसंद आई थी और ये मेरी बाइक के साथ भी काफ़ी मैचिंग है और काफ़ी अच्छी, और यू नो बहुत अच्छा लगता है इंसान इसके अंदर। तो और प्रोटेक्शन लेवल भी अनडाउटेडली जो प्रोटेक्शन लेवल है दैट इज़ रियली वेरी गुड। सो इट्स अ थम्स अप फॉर दिस जैकेट यू नो। एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम GT हाउस, सो मुझे बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है एंड इन फैक्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो इस जैकेट में एक और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जैसे कि ये आप देख रहे हो। सो व्हाट दीज बेसिकली आर, दीज आर एयर वेंट्स फॉर यू एंड इसके अंदर जो दो हैं अगर आपको कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे जो है दो मुझे गियर एंड थ्रॉटल के स्टिकर्स भी मिले हैं। तो दिस इज़ द जैकेट एंड जैकेट बहुत अच्छी है, काफ़ी फिटिंग है। तो फ्रॉम माई साइड इट्स थम्स अप यू नो फॉर GT हाउस एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आई एम रियली हैप्पी। और जैसा कि मेरी बाइक जो है वो भी फ़िलहाल रेडी हो रही है, सो जैसी वो एक बार रेडी हो जाती है हम दोबारा से राइडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो ये जैकेट का जो रिव्यू था वो यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। आई होप यू लाइक इट, और ये जैकेट बहुत ही सुंदर है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ।